Like a bell cut. हेलो दोस्तों, आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि बटन स्टोर में। जैसा कि दोस्तों आपने यूट्यूब थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम आज प्रोनिंग करने वाले हैं कुछ इंग्लिश रोज़ की। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसकी मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, ये मैंने मंगवाया था कोलकाता से। इसका आप साइज़ ज़रूर छोटा है मगर फूल काफ़ी अच्छा खिला हुआ है। इसका नाम है रेनबोज एंड, ये आप देख सकते हैं रेनबोज एंड। ठीक है, बहरहाल हमारा मकसद फूल दिखाने का नहीं था, हमारा मकसद था कि केयर किस तरीके से की जाए, इसकी प्रोनिंग किस तरीके से की जाए और किस तरीके से जो है इसके किस तरीके से पहचान की जाए कि जो हमारा जंगली रोज़ निकला है, ये आप देख सकते हैं जंगली रोज़ निकला हुआ है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी जंगली रोज़ है। आप इसका विशेष ध्यान रखा करें, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके इंग्लिश रोज़ में इस तरीके का कोई जंगली रोज़ निकल रहा है तो आप बराए मेहरबानी उसे काट दिया करें यहीं से। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में और आपकी प्रोनिंग भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमें इसको प्रोन करना है और यानी कि इसकी छटाई करना है, क्योंकि अभी टाइम बहरहाल अभी ज़्यादा निकला नहीं है। बहरहाल एंडी हो रहा है आज का प्रोनिंग करने का समय, क्योंकि इस पर नई नई कलियाँ जैसे देख सकते हैं आप आ ही रही हैं। इन्हें भी हम काट देंगे ताकि हमारा जो है नीचे से पौधा, ये काफ़ी लंबी साख जा रही है, इसे मैं काट दूँगा अभी, जैसा कि आप अभी देखेंगे वीडियो में। और ये देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से प्रोन करूँगा और मैं बताऊंगा आपको कि आप भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप हमारी वीडियो में अंत तक और वीडियो का मज़ा लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बगल वाले बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। ठीक है, वीडियो बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं प्रोन करके कैसे प्रोन हम करेंगे। इसको जो है जंगली रोज़ को यहाँ से हटा दूँगा मैं। कहाँ है ये? ये है, देख सकते हैं आप, ये ग्राफ्टेड रूट से, ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से ये निकलता है और मैं इससे निकट पा रहा है, मैं इससे काट दूंगा। ये आप देख सकते हैं, आपके पास भी ये प्रोनिंग कटर हो सकता है और आप इसको साफ़ भी कर सकते हैं। स्प्रिट है अगर आपके पास तो साफ़ कर दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बीमारी वाले पौधे को अगर आज छटाई करते हैं और फिर आप अच्छे पौधे को छटाई करते हैं तब आपको इसको साफ़ करना ज़रूरी बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम प्रोन करेंगे। से हमने ये तीन पौधे लिए हैं, इन तीनों पौधों को मैं आपको प्रोनिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसकी हम छटाई करते हैं। ये दोस्तों, ये तो छोटा है, ये तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे प्रोन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ये छोटा ही साइज़ है इसका, इसलिए हम इसे ज़्यादा छटाई नहीं कर सकते। इसे हम बढ़ने देंगे, इसे रहने देंगे। इसकी हमने जंगली रोज़ की जो नीचे ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से जो टहनियाँ निकल रही थी उसे हमने काट दिया है, बस हम उसको काट देंगे और इसे हम कर देंगे एक साइड। इसमें भी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी एक जंगली रोज़ की साख निकली हुई है, इसे हम काट देंगे और दूसरी साख ये नीचे से उस तरफ जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी अलग ही पहचान होती है और अलग ही दिखती हैं ये आप देख सकते हैं, ये हैं इस तरीके से। अगर आप इसे नहीं छाटेंगे तो आपका ये पौधा मर जाएगा और आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे गुलाब को। अब मैं इसे यहाँ से काट दूँगा, प्रोनिंग करता हूँ मैं इसकी यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये एक बर्ड निकल रही है, इसे मैं छोड़ दूँगा, बाकी इसको ऊपर से मैं काट दूँगा, देख सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से भी मैं इसे इस वाले एरिया से, ये आप देख सकते हैं नई बर्ड निकली हुई है एक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये पौधे के बिल्कुल बैलेंस में है, इसलिए मैं इसके ऊपर को शाख को काट लूँगा। और दोस्तों ये जो थोड़ी बहुत ऊपर जा रही है, इसे मैं यहाँ से दूसरी जो नई शाख निकली हुई है यहाँ से नहीं फिलहाल यहाँ से काट दूँगा। ये दोस्तों हमारी इसकी हो गई, ये हमारी सूखी जो टहनियाँ वो भी हम इसको छाट लेंगे। और दोस्तों ये भी हमारा इसका ये कंप्लीट है, इसे हम रखो कर देंगे। भाई मेरा इसकी साख काफ़ी लंबी है, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं इसको कहाँ से छाटने वाला हूँ और कहाँ से नहीं छाटने वाला हूँ। पहले बात तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसकी एक साख जो है इसमें भी काफ़ी अच्छे से बड़ निकल रहे हैं नए, और इसमें भी काफ़ी निकल रहे हैं। तो फिलहाल मैं इस वाली को जो ये तिरछी जा रही है, ये नीचे को जा रही है, इसका जो है सेफ ख़राब कर देगी पौधे का, इसलिए मैं इसको जो है यहीं से
काट दूंगा। अब आप ये देख सकते हैं इस तरीके। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है साफ का तो आप इसके जो है जहाँ से हम कट लगा रहे हैं वहाँ पर लगा दें, अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप इसके कट पर मिट्टी लगा दें ताकि इस पर कोई बीमारी या कीड़ा ना लग सके और सूख ना सके ये पेड़। अब दोस्तों ये रह गई है, इसको मैं यहाँ से काट लूँगा ताकि ये नई कली निकली हुई है, देख सकते हैं आप, ये जो नई कली निकली हुई है यहाँ से इसके ऊपर वाले एरिया से मैं इसको कट कर दूँगा, ये देख सकते हैं। और आप दोस्तों एक ये जिस तरीके से काफ़ी लंबी शाख है, अगर मैं चाहूँ तो इसे रख सकता हूँ, इसमें काफ़ी बहुत सारे निकल रही हैं कलियाँ, मगर मैं इन्हें त्रस ना करते हुए इन पर इन्हें मैं काट लूँगा। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये एक निकली हुई है, ये बिल्कुल लेवल से ही है पॉट के, तो इसकी एक ये इसी के बराबर से ये ऊपर निकल रही है छोटी सी, ये एक नई कली निकल रही है, मैं इसके ऊपर वाले एरिया से इसे काट लूँगा ताकि ये इससे जो बर्ड निकलेगी वो अच्छे तरीके से गमले पर कोई आएगी ऊपर को और काफ़ी बढ़िया ग्रो करेगी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये मैंने जो काटी है इसकी मैं कलम काट के लगा कर देखूँगा कैसी होती है या नहीं होती है, इसका अपडेट मैं आपको दूंगा बाद में। तो जैसा कि दोस्तों आपने ये देखा, हमने इन पौधों को काट लिया है और ये इसे मैं नहीं काटूँगा, कोई दिक्कत नहीं इसे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके बता दिए आपको हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।